Hello dear viewers, I am your friend Vilas Chavan. You are watching Figures of Speech part 18. In this part we are going to learn ellipsis. So chaliye dekhte hain things to remember. Number 1. Ellipsis is the omission of a word or words. Omission ka arth hota hai lupt hona ya lop karna. Dekhiye kabhi kabhi hum vakya likhte samay ya bolte samay kuch shabd jo hai to hum unhe chhod dete hain, unka prayog nahi karte, to use kehte hain ellipsis. Number 2. It refers to constructions in which some words are omitted but the sentence can still be understood. अब देखिए, उन वाक्यों में भले ही हमने कुछ शब्द छोड़ दिए हैं, उनका प्रयोग हमने नहीं किया, फिर भी वह जो वाक्य होता है वह मीनिंगफुल होता है, उसका अर्थ जो होता है हमारे तक पहुंच जाता है. अगर मैंने हिंदी में एक एग्जाम्पल लिया, अगर मैंने कहा कि उसने दो रोटी खाई और मैंने सिर्फ एक. अब देखिए, मैंने सिर्फ एक, इसके बाद मैंने किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, फिर भी उस वाक्य का मीनिंग जो है हमारे तक पहुंच गया है. असल में यह वाक्य ऐसे होना था कि उसने दो रोटी खाई और मैंने सिर्फ एक रोटी खाई, लेकिन ये जो है रोटी खाई, इसको मैंने रिपीट करने के बजाय उसको मैंने ओमिट कर दिया, फिर भी मीनिंग जो है हमारे तक पहुंच गया है, इसे कहते हैं इलिप्सिस. चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. नंबर 1, आई रोट पोएम एंड राधिका नेसे. यहाँ पर देखिए, इस रोट शब्द का हमने ओमिशन किया है. आई रोट पोएम एंड राधिका रोटन एसे, ऐसे होना था लेकिन रोट को हमने ओमिट कर दिया है, ठीक है, इसे कहते हैं इलिप्सिस. नंबर 2, ही नोज 5 लैंग्वेजेस बट आई ओनली 2. यहाँ पर देखिए, दो शब्दों का लोप है, नोज और लैंग्वेजेस, यानी ही नोज 5 लैंग्वेजेस बट आई नो ओनली 2 लैंग्वेजेस, ऐसे होना था लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा है कि ओमिशन है. नंबर 3, रमेश कैन डू समथिंग टू ओवरकम द प्रॉब्लम बट आई डोंट नो व्हाट. अब देखिए, रमेश प्रॉब्लम पर काबू लाने के लिए कुछ कर सकता है, बट आई डोंट नो व्हाट, इसके बाद कुछ होना था, बट आई डोंट नो व्हाट ही कैन डू. अब ये ही कैन डू है तो उसका यहाँ पर ओमिशन है, इसलिए यहाँ पर भी है इलिप्सिस. चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं. इंडिया स्कोर्ड 300 रन्स बट श्रीलंका ओनली 250. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्कोर्ड इस शब्द का जो है तो लोप है, और रन्स इस शब्द का भी हमने लोप किया है, तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल होते हैं वह मीनिंगफुल होते हैं और उन्हें हम इलिप्सिस कहते हैं, ठीक है. चलिए दोस्तों और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फॉर योर प्रैक्टिस. Find out or guess the omitted words. अब कुछ और भी examples हैं, उनमें से आपको ढूंढना है कि कौन से शब्द जो है तो omit किए गए हैं, या फिर guess करना है कि कौन से शब्द missing है. तो चलिए देख लेते हैं. Number 1, Who broke this glass? Rohan did. Number 2, I ordered the paneer, not aloo matar. Number 3, He may get something to eat, but no one knows what. Number 4, She wrote 2 poems and Raju 3. नंबर 5, आई कैनॉट बिलीव यू डिड दैट. अब यहाँ पर देखिए, एक आश्चर्य का भाव है और यहाँ पर कुछ शब्द मिसिंग है, इसे भी कहते हैं इलिप्सिस. नंबर 6, वाओ. अब यहाँ पर देखिए, वाओ के बाद कुछ भी नहीं और आखिरी में है एक्सक्लेमेशन मार्क. अब यहाँ पर देखिए, एन इलिप्सिस विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो एक्साइटमेंट आफ्टर अ पॉज. अब यहाँ पर जो पॉज है उसके बाद कुछ एक्साइटमेंट है, तो ये बताने के लिए भी इलिप्सिस का प्रयोग होता है. तो दोस्तों, In this way, I have brought this complete series of figures of speech in 20 parts, in which I have discussed more than 40 figures of speech. So please do watch all the 20 parts, and if you haven't yet subscribed my channel, please do subscribe it, like and share the videos. Thank you for being with me. Thank you very much.